वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 9 फॉर क्लास 10 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो बाकी वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड कैबेज हैज इवोल्व न्यू वेराइटीज लाइक कैबेज, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर बाय, तो कौन सा प्रोसेस है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सेलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या आर्टिफिशियल सेलेक्शन। So the process by which different varieties are evolved, that process is known as artificial selection. Question number 2 is the fossil remains of Archaeopteryx is a connecting link between. तो जो Archaeopteryx है वो connecting link किसके between है fossils? Reptiles and mammals के, reptiles and birds, fish and amphibians या amphibians and reptiles. So what will be the answer? Reptiles and birds will be the answer. क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली पॉसिबल आउटकम ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था? 3 टॉल 1 शॉर्ट, 24 टॉल एंड 8 शॉर्ट, 8 टॉल एंड 0 शॉर्ट या टॉल प्लांट एंड 1 मीडियम हाइट प्लांट। वेरी सिंपल, सो रेशियो क्या होता है? 3:1 रेशियो होता है। सो ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। Only one parental trait is expressed, ये ठीक है। Two copies of each trait is inherited in sexually reproducing organism, ये भी ठीक है। Four recessive trait to be expressed, both copies should be identical, ठीक है। यानी जो अगर recessive trait होगा तो वो जो है capital T and small t की बजाय small t होगा या capital T नहीं हो सकता। तो दोनों जो है both copies should be identical होना जरूरी है। Next is natural selection can alter frequency of an inherited trait. So this will not the conclusion that can be drawn from Mendel's experiment. So D will be the answer. Question number 5 is which one is a possible progeny in F2 generation of pure breed tall plant with round seed and short plant with wrinkled seed. ठीक है, तो F2 generation में आपने ये किया हुआ है, इसकी ratio जो होती है हमारी 9:3:3:1 की ratio होती है। और F2 progeny में जितने भी pairs बन सकते हैं, possible हैं, वो सारे जो है बनते हैं। सो इसमें क्या होगा? टॉल प्लांट विद राउंड सीड भी होगा, टॉल प्लांट विद रिंकल सीड भी होगा, शॉर्ट प्लांट विद राउंड सीड भी होगा, ठीक है, यानी ऑल ऑफ द अबो। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच सेक्शन ऑफ डीएनए प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन। सो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, स्ट्रेट या जीन। सो जीन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाई जीन्स। वेट कंट्रोल नहीं होता या हाइट नहीं होती या दोनों होते हैं या कोई भी नहीं होता, ठीक है। सो आपको आंसर बताना है, तो वेट जो है वो हमारा जीन से कंट्रोल नहीं होता, केवल हाइट वो हमारी जीन से कंट्रोल होती है। सो ओनली बी, सो ओनली 2, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मेल प्रोजेनी विल बी अ बॉय। सो प्रोबेबिलिटी मेल प्रोजेनी और फीमेल प्रोजेनी की अगर आप क्रॉस करके निकालते हो देन 50-50% चांस होते हैं। सो ए विल बी द राइट आंसर, 56 नहीं होगा, 47 बाकी नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो परफेक्ट पेयर किस में होता है? गर्ल्स में होता है, ठीक है। बॉयज में एक्स वाई होगा और गर्ल्स में जो है परफेक्ट पेयर एक्स एक्स होता है, ओके। सो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज विद होम यू कैन एसोसिएट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन, मेंडल, स्टेनले मिलर या हेरोल्ड यूरे। तो चार्ल्स डार्विन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वी हैव टू आईज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक। मैंगो ट्रीज मल्टी सेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, सो दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रीज एंड ऑल ऑफ दीज। सो ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स, सो डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज होमोलोगस ऑर्गन्स हैव। तो होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेम स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, नो। डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, नो। सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, यस, सी विल बी द राइट आंसर। डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन नहीं होता। होमोलोगस का मतलब क्या है? कि ओरिजिन जो है वो उनका सेम रहता है एंड द फंक्शन आर डिफरेंट, सो सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13-17 आर असेसन एंड रीजन। सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस असेसन एंड रीजन हैव बीन पुट फॉरवर्ड, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अगर ए आंसर होगा कब होगा? इफ द बोथ असेसन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेसन। बी विल बी द असेसन और रीजन जो है वो दोनों करेक्ट है लेकिन जो रीजन गिवन है वो असेसन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सी विल बी द आंसर इफ द असेसन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स
and D will be the answer if the statement of the assertion is false but the reason is true. Question number 13 statement jo given hai aapko, when pure breed tall plant are crossed with pure breed short plant, all the plants in F1 progeny are tall. ठीक है, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 प्रोजेनी में सारे जो रिजल्ट आते हैं वो कैसे होते हैं, प्लांट्स टॉल हैं. बट व्हेन द टॉल प्लांट ऑफ F1 प्रोजेनी आर क्रॉस्ड, शॉर्ट प्लांट्स रीअपीयर. तो F2 में जो है रेशियो 3:1 हो जाती है, 1 विल बी शॉर्ट. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है. रीजन क्या दिया है, ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड. ठीक है, ट्रेड्स जो है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड करते हैं. सो बोथ द असम्पशन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरिएशन इज हाई इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कंपेयर टू ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये इन एक्यूरेसीज ड्यूरिंग DNA कॉपिंग गिव राइज टू वेरिएशन. तो ये असेसन भी राइट है, रीजन भी राइट है, बट ये एक्सप्लेनेशन इसकी जो है वो करेक्ट नहीं है. सो बी विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15 इज असेसन गिवन है अक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. सो अक्वायर्ड ट्रेट्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास नहीं होते, जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो पास होते हैं. सो रीजन क्या गिवन है, इन एक्यूरेसी ड्यूरिंग DNA कॉपिंग ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट इज मिनिमम. ये बिल्कुल रीजन जो है ठीक नहीं है. सो सी विल बी द आंसर कि जो assertion है वो ट्रू है बट द रीजन इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 16 इज assertion गिवन है ह्यूमन फ्रॉग एंड बर्ड्स हैव अ कॉमन एंसेस्टर. रीजन क्या दिया हुआ है, ठीक है, ह्यूमन बर्ड फ्रॉग दे हैव कॉमन एंसेस्टर, लिम्स ऑफ ह्यूमन बर्ड्स एंड फ्रॉग्स दे आर होमोलोगस. ठीक है, सो इसी बेस पे जो है कहा जाता है कि ह्यूमन फ्रॉग एंड बर्ड्स दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स. और होमोलोगस ऑर्गन क्या थे, जिनका ऑरिजिन सेम होता है लेकिन जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. सो बोथ द असम्पशन रीजन आर करेक्ट एंड दिस वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो ए विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17 इज असम्पशन क्या है, स्पेसिएशन इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अमंग वंस इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन. ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सेलेक्शन या सीवियर DNA चेंज, ये तीनों जो बातें हैं ये स्पेसिएशन कॉज करती हैं. स्पेसिएशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज. सो ए विल बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन द जायगोट ऑफ ह्यूमन इज. तो सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, कितने पेयर होते हैं, वन पेयर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सेलेक्शन वाज गिवन बाय. किसने दी थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन. क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड ऑफ DNA व्हिच कैरीज. तो DNA के ऊपर इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो क्या होते हैं, जीन्स. डैश जीन्स आर दोज विच डिसाइड द अपियरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन. सो बोथ जीन्स आर आइडेंटिकल इन विच केस, द रिसेसिव केस. ठीक है, अगर डोमिनेंट होता है तो उसमें वन जो है चेंज होगा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैपिटल टी की बात करो, ये डोमिनेंट केस होगा. टी कैपिटल टी और एक स्मॉल टी अगर होगा, ये भी जो है इसमें कैपिटल टी डोमिनेंट होगा. ठीक, रिसेसिव कब होगा, जब दोनों ही जो है कैसे होंगे, स्मॉल होंगे. यानी दोनों ही स्मॉल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो ही वो रिसेसिव होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज डैश इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. तो डिस्क्रिप्शन कौन देता है, जीनोटाइप. ठीक है, सो लाइक ये जो डिस्क्रिप्शन है जीन्स के बारे में, कैपिटल टी, दिस इज जीनोटाइप. जीन्स ऑलवेज वर्क्स इन पेयर, हमेशा पेयर में काम करते हैं. द कट टेल ऑफ एन माइस इज एन, कैसा ट्रेट है ये, इनहेरिटेड है या अक्वायर्ड है, दिस विल बी अक्वायर्ड ट्रेट. क्वेश्चन नंबर 25 इज एवोल्यूशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. ठीक है, एवोल्यूशन से नई स्पीसीज बनती हैं. डैश वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट हु प्रपोज दैट लाइफ मस्ट हैव डेवलप फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ जनरेट हुई है, ये किसने प्रपोज किया था, जेवियस हेल्टिंग. अक्वायर्ड वेरिएशन इन सोमेटिक ट्रेट्स आर नॉट पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये ट्रू है, फॉल्स है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट अक्वायर्ड वेरिएशन इन सोमेटिक ट्रेट्स आर, जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर जो है कोई भी वेरिएशंस होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होती हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.